एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट को कैसे जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं लारावेल प्रोजेक्ट में। ठीक है, सिंपल में मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको साइट दिखा देता हूँ जिसको जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली स्नीट की एक एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट है जिसको जो हम अभी इंटीग्रेट करके देखेंगे अपनी लारावेल प्रोजेक्ट में। ओके, सो इसमें मेरे पास जो है वो डिफरेंट पेजेस हैं, ई कॉमर्स और कैलेंडर, चैट्स, डैशबोर्ड, एडमिन पेजेस, यूज़र पेजेस, जिसका कि एक यूजुअल एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट में होते हैं। ठीक है, ग्राफ्स वगैरह ऑल ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर जो है, कार्ड्स मॉडल वगैरह है। ठीक है, अभी जो है हम इसको देखेंगे इंटीग्रेट करके अपनी लारावेल एप्लीकेशन में। सो लेट्स स्टार्ट, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो सिंपल मैं इसे नेम दे दूंगा स्नीट। ओके, सो विद इन 2 or 3 मिनट्स मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली जो है वो सेटअप हो जाएगा, देन इसको जो है वो देखते हैं। सो हे फ्रेंड, प्रोजेक्ट जो है मेरे पास कम्प्लीटली जो है इंस्टॉल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमने स्नीट के नेम से जो है क्रिएट किया था। ओके, सिंपल मैं जो है वो प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद जो है वो इसे ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं यूजिंग दिस कमांड। सो नाउ अभी जो है स्टार्टर टेम्पलेट हमें शो हो रही है वेलकम पेज पे। ओके, सो नाउ यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, रिसोर्सेज में जाके एक न्यू व्यू क्रिएट करूँगा एंड इसको मैं नेम दे देता हूँ demo.blade.php। ओके, एंड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्टार्टर टेम्पलेट। अभी यहाँ पे जो है इसका राउट क्रिएट कर लेते हैं web.php में जाके, राउट व्यू ओके, देन यहाँ पे से मैं चेक कर लेता हूँ /demo। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो भी पेज लोड हो गया। ठीक है, सो इस पेज पे जो है वो हम अपनी इंटीग्रेशन करेंगे अपनी साइट की। ठीक है, सो नाउ अभी क्या करना है, सिंपल मैं आ जाता हूँ गूगल ओपन के लिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्नीट एडमिन टेम्पलेट। ओके, सिंपली आपने सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके फोर्थ जो आपके पास एक गिटहब लिंक आएगा, रिपोजिटरी लिंक, सिंपल इसे ओपन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो फ्री वर्जन आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम फ्री वर्जन इंटीग्रेट करके देखेंगे, बट उसमें भी जो है काफ़ी फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी फाइल जो है वो इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोड में जाके डाउनलोड जिप कर लेनी है। ठीक है, सो विद इन 1 मिनट मेरे पास जो है वो जिप डाउनलोड हो जाएगी। ओके, सो फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास जो है वो जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, सिंपल इसे शो इन फोल्डर कर लेता हूँ मैं, देन यहाँ से इसे जो है वो एक्सट्रैक्ट ऑल करके, बट फर्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जो है वो डेस्कटॉप पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ मैं से SNEET। ओके, देन इस फोल्डर में जो है वो इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक, एक्सट्रैक्ट कॉल, डेस्कटॉप स्नीट। ओके, सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो नाउ यहाँ से जो है वो क्लोज कर देते हैं सब, कोई मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास जो स्नीट है फोल्डर जिसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट किया है, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी फाइल्स शो हो रही होंगी, इंडेक्स ये भी शो हो रहा होगा। ठीक है, बट अभी जो है हमने इसे ओपन नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये व्यू में आ जाता है। ठीक है, और इसकी काफ़ी कंपोनेंट जो है वो ऐड हुई है। ठीक है, कंपोजर की भी यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ सिंपल आपने जो है HTML फोल्डर इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी जो है वो मॉडल्स, स्नैप और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो शो हो रही होगी। ठीक है, सो ब्राउज़र पे जाते हैं, एक सेकंड मैं जो ऑलरेडी ओपन था वो से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स पेज आपको शो होगा HTML फोल्डर के अंदर। ठीक है, सिंपल इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो शो हो गई होगी। ठीक है, सो नाउ ये मेरे पास जो है वो टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसे मैंने अभी ब्राउज़र पे सिर्फ ओपन किया है index.html फाइल को। ठीक है, सो नाउ अभी जो है वो और भी देख लेते हैं ओपन करके, फॉर्म्स, वर्टिकल वगैरह
each and everything जो है वो load हो रही है, ठीक है। इसके अलावा tables देख लेते हैं, again tables, so सब चीज़ें जो है वो load हो रही हैं, ठीक है। so now अभी जो है वो इसको close करते हैं, और जो सबको close कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो इंडेक्स वाला पेज था, ठीक है, इसको लेफ्ट क्लिक करके ओपन विद में कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, ओके। एंड ये सारा कोड ओपन हो गया, ठीक है। सिंपल में क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल ए सी सारे को कॉपी करके यहाँ पे जो हमने डेमो डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी बनाई थी स्टार्ट में फाइल व्यू, उसके अंदर जो है मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, डेमो डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है। ब्राउज़र पर जाते हैं, जो हमारे पास डेमो पेज था इसको रीलोड करता हूँ मैं, सो यहाँ पे भी जो है वो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है, बिकॉज हमने जो भी कोई भी स्टाइलिंग वगैरह कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपल मैं जो है वो बैक जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कुछ फोल्डर्स को मैं मार्क कर लूँगा, ठीक है। सो फर्स्ट टास्क को छोड़ के एस सी एस एस लिप्स जे एस फॉन्ट्स एसेट्स ये 6, और इसके अलावा जो है बस ये 1 2 3 4 5 फोल्डर्स जो है मैं सिंपल कॉपी कर लूँगा, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, ठीक है, जो कि हमारा प्रोजेक्ट था विद नेम्स नीट, ओके। प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे पब्लिक में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये फोल्डर जो है ना पब्लिक, इसके अंदर जो है हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पब्लिक है, 4 फाइल्स हैं, यहाँ पे वी एस कोड भी मैंने ओपन किए हैं, 4 फाइल्स हैं, ओके। सिंपल जो है वो कंट्रोल वी कर दूँगा मैं, आफ्टर दिस सिंपल मैं ब्राउज़र पर जाऊँगा एंड यहाँ से मैं इसे रीलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने रीलोड किया तो ऑल फाइल जो है अटैच होगी, ठीक है, जो भी स्टाइलिंग वगैरह की थी जावास्क्रिप्ट की फाइल और ये जहाँ पे जो है वो लोड होके सेम एज इट इज जैसा कि हमने डेमो में देखा था वही फाइल जो लोड होगी, ठीक है। सो नाउ अभी मैं आपको बता देता हूँ हाउ वी इंटीग्रेट्स इसके अंदर जो है वो कैसे जो हम टेबल्स या अगर कार्ड्स वगैरह जो भी हमें चाहिए वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली से वे, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ब्राउज़र में ही रहते हैं, ठीक है, ये सारा जो कॉन्टेंट का एरिया ना यहाँ से जो है वो एंट्री करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपल मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊँगा एंड आफ्टर इंस्पेक्ट यहाँ से मैं देख लेता हूँ ये डिव रो कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट रैपर, ठीक है। सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक आ रहा है, ये इसमें जो है वो ये भी कवर हो रहा है, ठीक है, बट हमें जो है वो यहाँ तक चाहिए, तो सिंपल जो है वो यहाँ से कंटेनर एक्सेल इसको करना है एडिट एज एचटीएमएल, ठीक है, कंट्रोल ए सारे को सिलेक्ट कर लिया देन स्पेस दबा देना है, सारा कोड जो है एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ अभी जो है कैसा शो हो रहा है मेरे पास, सारी चीज़ें हट की और नैव बार और स्लाइड बार शो हो रहा है और नैव बार और फुटर, ओके। सो ऑल गुड, यही हमें चाहिए था। देन यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट में जाना है एचटीएमएल में एडिट एज एचटीएमएल कंट्रोल ए सी, सारा कोड कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, कोड तो मैंने कॉपी कर लिया जो कि ये सारे पेज का था, ठीक है, सर्वर पे। अभी जैसे मैं रीलोड करूँगा तो जो हमने हटाया होगा आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस होती हैं जैसे रीलोड करें वो अनसेव्ड होती हैं, एकदम चेंजेस जो है वो अगेन से वही आ जाती हैं जो हमने चेंज किया होता है। अभी देखिएगा यहाँ पर जो है वो अगेन से वो चीज़ें आ गई, ठीक है, बट कोड तो मैंने कॉपी किया हुआ था चेंजेस करके, ठीक है। कंट्रोल ए वी कर दूँगा मैं सिंपली, देन कंट्रोल एस करूँगा, अब लोड करूँगा तो ये सारा कंटेंट रैपर जो हमने हटाया था ये सारा हट गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है सिर्फ ये शो हो रहा है नैव बार और फुटर और साइड बार, ओके ऑल गुड। अब यहाँ पे जो है वो कुछ टेबल वगैरह कुछ इंटीग्रेट करके देखते हैं। सिंपल मैं जाता हूँ डेस्कटॉप स्नीट जो जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था एसेट्स, सॉरी एसेट्स में नहीं HTML एंड यहाँ पे टेबल देख लेते हैं, इसे ओपन करना है सिंपली आपने, ठीक है, टेबल।
सो अभी जो है वो टेबल बेसिक यही हमें चाहिए, ठीक है। एक ये टेबल इंटीग्रेट करके देखते हैं अपने इसमें। सो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, सो कंटेंट रैपर बेसिक टेबल, और यहाँ से ये सारा, ठीक है। सो यहाँ से क्या करते हैं, टेबल एक्सेसल से हमने काटा था तो सारा कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल ए करता हूँ और ये कंट्रोल ए सी करके सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सारा कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं वीएस कोड में, एंड इसके बाद यहाँ पे जो है कंटेंट रैपर के अंदर, कंटेंट रैपर के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे जो है वो सारे टेबल्स वगैरह शो हो जाएंगे, ठीक है। बट हमें जो है सिर्फ चाहिए बेसिक टेबल, ठीक है। सो ये सारे टेबल जो है वो हटा देता हूँ मैं। सो फॉर दिस सिंपल क्या करेंगे, मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ, देन इसको देख लेते हैं हमारा बेसिक टेबल कहाँ है। सो ये मेरे पास जो है स्टार्ट में बेसिक टेबल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। बेसिक टेबल यहाँ पे कमेंट भी है, एंड हो रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली लाइन एक ऐड हुई है बीच में एचआर की। सो इसके बाद जो है वो सारे टेबल हमें नहीं चाहिए, सारे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। देन इसको सिंपली रिमूव कर देंगे। सो कहाँ तक रिमूव करना है हमने, यहाँ तक, ठीक है, टेबल रिस्पॉन्सिव तक, ये यहाँ तक इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। स्पेस दबाऊंगा, सारा रिमूव हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, देन ब्राउज़र में जाके रीलोड करूँगा जैसे ही, तो ये सारे टेबल्स रिमूव हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से सारे टेबल्स रिमूव हो गए, फोटर एज इट इज़ आ गया, एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वर्क करिए, ठीक है। सो फ्रेंड इसी तरह हम जो है वो काफ़ी पेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वन बाय वन आप देख सकते हैं मॉडल्स, मॉडल्स के लिए अगर आपको कोड चाहिए सिंपल आप मॉडल के ऐड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो सेम एज इट इज़ यही वे होगा उन सब चीज़ों का भी, ठीक है। सो फ्रेंड ये था आज का हमारी वीडियो का टॉपिक जिसमें हमने इंटीग्रेशन करके देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लारावेल के साथ इसको कोड को कैसे जो है वो वर्क कर सकते हैं बैक एंड एंड फ्रंट एंड के साथ, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।